अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज खुशदार में मेरा पहला दिन है, रात को ही आया था। अगर लोग आपने देखा होगा, आप लोगों को पता होगा, खुशदार भी बहुत खूबसूरत है। कल सुबह मैं बाज़ार की तरफ गया था, अभी मैं आया हूँ इस तरफ बागात वगैरह ये देखने, विज़िट करने। कितना हाँ तो गैस यही है खुशदार, बहुत ही खूबसूरत है और ठंडी बहुत ज़्यादा है। ऐसा लगता है किसी ने मुझे तवे से निकाल के फ्रिज में रख दिया हो। देख सकते हैं इसका रोड कितना खूबसूरत है। ये रोड कराची भी जाता है और यहाँ क्वेटा की तरफ जाता है। तो आज रात को मैं यहाँ हूँ, कल सुबह पहले मैं ट्राई करता हूँ, अगर सुबह का कुछ मिल जाए सवारी तो वो ठीक है, अगर सुबह ना मिले तो फिर वही शाम को मैं और मेरा चाचा हैं और एक दूसरा कज़न है, हम तीनों निकल रहे हैं पंजगुर के तरफ इंशाल्लाह। लेकिन आज तो पूरा दिन मैं घर में तो निकला नहीं, क्योंकि रात को मैं आया था बहुत देर बाद, और इसलिए पूरा दिन सोता रहा। अभी निकला, शाम को कुछ रिश्तेदार है, कज़न वगैरह आए, बोल रहे थे कि चलो तो कुछ घूम फिर लेते हैं। और बात ये, खुजदार बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही डेवलप्ड है, तो मैंने कुछ सिनेमैटिक शॉट लिए हैं। अभी हम गए थे कहीं घूमने के लिए, तो वो आप लोग देख लो खुद ही। बाकी यही है हौसदार, यही है हमारा बलूचिस्तान, खूबसूरत खूबसूरत ये पहाड़ी। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, शुरुआत है। मैं आगे इंशाल्लाह पंजगुर जाऊंगा, पंजगुर से सरावान ईरान बॉर्डर तक जाऊंगा, बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो कर लो सब्सक्राइब इंशाल्लाह, बेल आइकन भी दबा दो ताकि हर व्लॉग आप तक पहुँच जाए। तो ये यहाँ का सुजुकी मेहरान कार, तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखना, मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हज़ार में मेरा दूसरा दिन है, कल था मैं सोचा था रात को चला जाऊं, लेकिन यहाँ पर मेरे कुछ कज़न रिश्तेदार हैं, उन्होंने रोक के रखा था कि रात गुजार के ही जाओ, कल जाएंगे पिकनिक के लिए। तो हम आए हुए हैं यहाँ पिकनिक में, माशाल्लाह कितना खूबसूरत जगह है, क्या बताऊँ आप लोगों को, खुद ही देख लो वहाँ क्या खूबसूरत जगह है। पानी भी है यहाँ पर, तालाब उस तरफ जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, वो है उस तरफ से रोड जा रहा है मेन रोड, तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत जगह है। मेरे कज़न है वो आजमान में, वो जब हम पिकनिक के लिए जाते हैं तो उसको ऐसी ऐसी जगह बहुत पसंद आते हैं, लेकिन वहाँ पर ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ बलूचिस्तान में कदम कदम में इतने इतने खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है, क्या बताऊँ। अच्छा आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ, कुछ सिनेमेटिक शॉट भी हैं वो भी लेता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ बलूचिस्तान की खूबसूरती। हाँ तो गैस अभी हम यहाँ पर सिस्टम बना रहे हैं खाना बनाने के लिए, यहीं पर कुछ खाना वाना बनाएंगे, लकड़ियाँ काट रहे हैं ये लोग। अकरम बलोच भी यहीं पर है, क्या जगह है यार, क्या बताऊँ किसम से इस जगह के बारे में। अगर ये जगह दुबई में होता तो यहाँ पर इतना रश होता क्या। ये तो एक मामूली सा जगह है, हम आए हुए यहाँ पर, ये तो एक छोटा सा मामूली सा जगह है जहाँ पर हम आए हुए, इससे भी और ख़ूबसूरत जगह हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था वहाँ जाने के लिए, शाम को पंजगुर के लिए निकलना था, लेकिन फिर भी यार इस जगह का जवाब ही नहीं है।
मौसम भी बड़ा अच्छा है। अगर ये जगह अगर दुबई में होता वहाँ तो मुश्किल से ही जगह मिलता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम एक दो बंदे यहाँ पर आए, एक हमारा गाड़ी है और उस तरफ एक दो पार्टी बैठे हुए पिकनिक कर रहे हैं। क्या खूबसूरत जगह है यार, यहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ा है और वहाँ पर खाना वगैरह हो रहा है और यहाँ पर पानी, पैसे पूरे हो गए हैं बस क्लास। अभी हम सोच रहे थे कुछ खाना सिस्टम कर लें, फिर इंशाल्लाह नहा भी लेते हैं, लेकिन ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद में सोचते हैं। चीज तो बढ़िया है, चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। हाँ तो गैस खाना हमने खा लिया मशरूम पेट भर के लगे आम पर, तो हमने खाए थे प्लेट वगैरह बहुत हो रहे, ठंडी बहुत ज़्यादा है। पहले तो हमने सोचा था कुछ गुसल भी कर लेंगे, फिर ठंडी ना होने की वजह से गुसल नहीं कर पाएंगे। धूप भी आस्ते आस्ते जा रहे हैं, अभी शाम के 4 बज रहे और अभी हम कैसे यहाँ पर घूम भी लेंगे, इन जगहों को थोड़ा और सर्वे करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ ये जगह देखा था। फिर 1-2 घंटे बाद निकलेंगे घर के तरफ। गाइस ये वाला दरख्त होता है, ये शायद आप लोग पहचान गए होंगे, जैसे ये चादर रखा हुआ है, ये गाइस को थोड़ा सा हिलाएंगे तो सब मुश्किल हो जाएगा। थक गया था चलते चलते, इसकी आवाज़ कुछ इस तरह। उधर जाल रहो गया जिस कुनर की मैं बात कर रहा था, ये वाले देखो कितने छोटे छोटे, आप लोग खुद ही पहचान हो गए, बलोची लोग होते हैं वो जानते हैं, बाकी का पता नहीं है। तो यहीं तक था आप हमारा पिकनिक यहाँ का, अभी हम सोच रहे निकल जाए घर की तरफ और शाम को फिर उधर भी जाना है ना पंजगुर की तरफ। वाह यार पसंद से इतना खूबसूरत जगह, मेरा तो मतलब दिल कहता है ऐसे जाओ ही नहीं। यह होता है बलूचिस्तान यकीन का, यही होता है बलूचिस्तान, क्या देखो कोना कोना बलूचिस्तान का, कोना कोना, एक जगह नहीं दो जगह नहीं, बलूचिस्तान का कोना कोना इतना खूबसूरत, एक से बढ़कर एक जगह, एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह है बलूचिस्तान में। ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। चलो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और भी जगह बहुत है बलूचिस्तान में। ये सिर्फ एक वहाँ से एक मेन रोड जाता है, ये छोटा सा तालाब है, पिकनिक पॉइंट छोटा सा बनाया हुआ है, यहाँ पर लोग आते जाते हैं पिकनिक करते हैं, बस यही है। साफ पानी है यार अंदर, खूबसूरत अंदर देखो कितना साफ से नजर आ रहा है।
इतना मीठा पानी है यार, खूबसूरत। हाँ गाइस, तो हम यहाँ रुके थे, ये ऊपर से ये इस तरफ ये छोटा सा पहाड़, इसके पीछे मेन रोड है जो उसदार की तरफ जाता है। हम यहाँ रुके थे चाय पीने के लिए। ये सिस्टम बनाया है, गाड़ी बिल्कुल बिल्कुल शफाटर खड़ा हुआ है। यहाँ पर ये है ना, ये पानी यहाँ होता था, तालाब है, लेकिन आज है नहीं। तो चाय वगैरह पी के फिर इंशाल्लाह उसदार की तरफ निकलेंगे। बहुत खूबसूरत है यार बलूचिस्तान।5 hours later. हाँ तो गाइस, अभी हम आए हुए हैं नाल में। यहाँ से हम पंजगुर का बस पकड़ेंगे। उस दर से नाल कुछ आधा घंटा दूर है, हम यहाँ आए थे क्योंकि वहाँ पर बस नहीं मिलती है। पंजगुर की बस यहीं से मिलती है, नाल से। यहाँ छोटा सा होटल है जहाँ पर बस कराची से आके यहाँ पर रोकती है खाना खाने के लिए। तो इसे हमें मालूम मिला है कि पंजगुर में कुछ ज़्यादा ही सर्दी है। सर्दी तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। टाइम भी 10 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। 11 बजे बस आएगी तो बैठ के हम निकलेंगे। लेकिन तू ही बोल ले, पहले मुझे बोलने नहीं दे, तू ही बोल ले। तो ठंडी इतना ज़्यादा है कि क्या बताऊँ। और पंजगुर में इससे बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा ठंडी है। बस सफ़र चलता ही जा रहा है, हम चलते जा रहे हैं। पता नहीं क्या, किस मौसम में, किस हालात में, कितनी ठंडी है, जा रहे हैं। बस मंजिल में पहुंचना चाहिए, सफ़र का खैर है। हाँ तो गाइस, हम लोग अभी बस में बैठ गए, पंजगुर के लिए निकल गए। हमें बस मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। सोचे थे शायद ना मिले इतनी जल्दी, लेकिन बहुत जल्दी मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी निकलते हैं बस के लिए, सफ़र का दुआ पढ़ के चलेंगे।